নমস্কার, আপনারা দেখছেন সংবাদ পরিবর্তন। আজ আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম 24 নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপি প্রার্থী কামিনী তেওয়ারির কাছে। কামিনী তেওয়ারি একটি স্ট্রিট কর্নার করলেন এবং উনি সংবাদ মাধ্যমকে কি জানালেন, উনি জেতার পক্ষে কতটা আশাবাদী, কি কি কাজ হয়নি ওয়ার্ডে, তা তিনি প্রত্যেকটা ডোর টু ডোর গিয়ে মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শুনেছেন এবং উনি জেতার পক্ষে আশাবাদী যে যে কাজগুলো আজ ওই ওয়ার্ডে হয়নি, উনি জানিয়েছেন যে একবার ঘরের মেয়েকে সুযোগ দেওয়া হোক, এবং উনি সব কিছু নোট করে নিয়েছেন মানুষের অভাব অভিযোগের কথাগুলো। উনি জানিয়েছেন যদি মানুষ একবার ঘরের মেয়েকে ভোট দিয়ে জেতায় তাহলে উনি সমস্ত কিছু সমাধান করবেন বলে জানিয়েছেন সংবাদ মাধ্যমে। তাই জন্যে মানুষকে জোর হাত করে উনি জানিয়েছেন যে নিজের ভোটাধিকার, অর্থাৎ যেন সকাল সকাল বেরিয়ে যেন ভোট প্রয়োগ করেন। কামিনী তেওয়ারি আজ সংবাদ মাধ্যমকে কি জানালেন, আসুন চোখ রাখুন সেই দিকে, তাই দেখতে ভুলবেন না সংবাদ পরিবর্তন। কামিনী তেয়ারি বিজেপি জিন্দাবাদ, তাই নজর রাখুন সংবাদ পরিবর্তনে। শুনে নিন ওনার মুখ থেকে কিছু কথা উনি কি জানাচ্ছেন সংবাদ পরিবর্তন। দিদি, আপনি ওয়ার্ড থেকে টিকিট পেয়েছেন, কেমন লাগছে প্রথম হলো? এখানে মানুষের অভিযোগ কি কি আছে, কি কি কাজ হয়নি বলে আপনার মনে হচ্ছে? পিছলে 33 বর্ষ এক হি পরিবার কা লোক শোর সভা বলিয়ে তো এখানকার জিত রে হ্যাঁ, আর কামকে নাম পে ওখানে কুছ ভি নি কর রে হ্যাঁ। বাড় মে ইতনি গন্দগি হ্যাঁ, রোজ তো দোনো টাইম সাফ হোনা চাইয়ে, উস গন্দগি কো সাফ নি কিয়া যা রে হ্যাঁ। ইয়া পে জগা জগা গন্দা, মতলব কুড়া কুড়া কচরা পড়া হুয়া মিলেগা, নালি সাফ নি হোতি হ্যাঁ, ইয়া পে মচ্ছর ইতনে জাদা হো গয়ে হ্যাঁ কি ইয়া কে বাড় কে লোক অধিকাংশ লোক ব্রেন ম্যালেরিয়া ডেঙ্গু ইয়া আদি সে পীড়িত পায়ে যায়। ইয়ে সব দেখতে হুয়ে হমকো লগ রে হ্যাঁ কি আগর ইয়ে সব কাম আগর সরকার করতি তো শায়দ উনকো ইতনা ডর নি রহতা কি হম ইয়া পে জিত সকতে। जीतने के बाद हम यहाँ सबसे पहले ये काम करेंगे, यहाँ पे बाज़ार लगते हैं, बाज़ार में मतलब डेली सब्जी बाज़ार मंडी जो लगती है तो वहाँ के मतलब जो गंदगी होती है दोनों टाइम हम लोग साफ कराएंगे ताकि वहाँ बैठने वालों को भी सुविधा हो और जो ग्राहक आ रहे हैं उनको भी वहाँ गंदगी का सामना नहीं करना पड़े। इतना बड़ा बाज़ार होने के बाद बाज़ार भी यहाँ पर शौचालय का प्रबंध नहीं है, आम जनता दूर दूर से बाज़ार करने आती है, बहुतों को तकलीफ भी होती है, तो ये सब देखते हुए शौचालय का हम प्रबंध करेंगे। और वार्ड में जगह जगह पानी का जमाव हो रहा है, वो जमाव कैसे निकले उसका यहाँ से प्रशासन से वो करेंगे कि यहाँ की सफाई हो। हम हर तरह से यहाँ के जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बच्चे का मानुष थे कि अपनी प्रचारित कैसा लाभ मिल रहा है पार्टी को, यहाँ पर लोगों से मिल रही है? हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे सबको बहुत खुशी से मेरा स्वागत कर रहे हैं, उनको बहुत खुशी है और बदलाव भी चाह रहे हैं। उन लोग कहने हैं कि यहाँ के जो अभी लोरा शाह जी जो यहाँ की पौरसा माता कहा जाएगा, उनके हस्बैंड जो हैं लोगों को धमका रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, रात को लोगों के घर पहुँच के बोल रहे हैं, अगर जो कोई मेरे संग घूमता है उनको उनको डराते हैं। अगर उनका ये डर जिस तरह से हम लोग कर रहे हैं तो डर के बाद तो जीत होता है। उन लोग इतने साल से देख रहे हैं किस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, अगर काम करते होते तो उनको इस तरह का मतलब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपनी इलाका मानुष के की बोलते चाहिए बारे? हम इलाका के मानुष से एक ही यहाँ की जनता से हम प्रार्थना करते हैं कि वो घर से इलेक्शन के वाले दिन निकले, चाहे कितना भी डराया जाए, कितना भी यहाँ के लोग वो करें, वो वोट देने ज़रूर जाएं, ये उनका अधिकार है। और जो लोग दूर चले गए हैं वो अपना मतदान का जरूर आके प्रयोग करें, हर जहाँ उनका मतलब मतदान पड़ता है जहाँ पे उनका बूथ है वहाँ पे जाकर वो जाएं और अपना अपना मतदान अपनी इच्छा अनुसार करें, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इच्छा सबसे पर सर्वोपरि है। आप मतदान करेंगे तभी हम लोगों का कुछ
मतलब अच्छा से अगर मतदान करेंगे तो हमारा जो मतदान का है परसेंटेज बढ़ेगा और हमें जीत मिलेगी।